नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में टीआरई 1.0 टीचर की भर्ती, टीआरई 2.0, टीआरई 3.0 तीन बार टीचर की भर्ती बिहार में आ चुकी है। टीजीटी, पीजीटी जूनियर और प्राथमिक वर्ग में, ठीक है, चारों प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3। और वह बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि देश के ही, बिहार के ही नहीं, देश के सभी युवाओं को एक प्रतिभाग करने का मौका दिया। बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लेकिन एक स्थिति बिहार में गंभीर है। कुछ बिहार के छात्र, कुछ बिहार के लोग, मैं छात्र नहीं बोलूंगा, विशेषकर कुछ ऐसे लोगों को बोलूंगा जो लोग बस राजनीति करना चाहते हैं, जिनका टारगेट न तो कंपटीशन में प्रतिभाग करना है, न कंपटीशन में अच्छा अंक लाकर देश और समाज का सेवा करना है, और न तो वह बिहार का हित चाहते हैं, बस वह यह चाहते हैं कि दो मिसाइल लागू हो, सिर्फ और सिर्फ दो मिसाइल लागू हो। दो मिसाइल लागू होने से वजह से क्या हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले। तो भैया, बिहार के लोगों को रोजगार वह चाहते जरूर हैं, लेकिन रोजगार में ऐसा नहीं होता है कि बाकी स्टेट को मौका ना मिले। उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे होनहार लोग, होनहार छात्र हैं जो वहां पर अच्छा खासा अंक अर्जित करके बिहार में नौकरी पाए हैं, टीआरई 1 में, 2 में और 3 में। और यही होता है, यही बाकी स्टेट में भी होता है। हरियाणा में जब वैकेंसी निकली है, जैसे हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई है, मैं चैलेंज देकर बोल सकता हूँ, बाकी लोगों से बोल सकता हूँ जो इस तरह की डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं केवल, तो वह जाकर देखें क्या हरियाणा में किसी प्रकार का कोई राहत है। अनारक्षित की जो सीटें होती है ना, 40% अनारक्षित सीटें हैं, ठीक है, हरियाणा में हर जगह 40% अनारक्षित होता है, ठीक है। अनारक्षित की जो भी सीटें होती हैं उसमें हर कोई फाइट करता है, ठीक है। आरक्षित वर्ग की जो सीटें होती है उसमें उस राज्य के आरक्षित वर्ग फाइट करते हैं, लेकिन अनारक्षित में हर कोई फाइट करता है। लेकिन यह कहां का तरीका है? अब देखिए, यूपी में ही और पुलिस की भर्ती आई हुई है, बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती आई हुई है, 60,000 पुलिस की भर्ती आई हुई है। अब इसका परीक्षा भी हो चुका है और बहुत जल्द उसका आगे का प्रोसेस बाकी होगा। आप लोग जाकर देखिए क्या अदर स्टेट के नाम पर 5%, 10%, 15% या अदर स्टेट को कभी किसी प्रकार से रोका गया है? देखिए, यह सपना देखना तो अच्छा है, लेकिन यह हिसाब से, और ये भी यह बता दूं, एक टीचर की नौकरी के लिए, एक अध्यापक की नौकरी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अध्यापक जो है देश और समाज का रीढ़ होता है, हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, बाकी अगर कोई किसी कर्मचारी की भर्ती हो, ठीक है, तो वहां चलता है, वहां कोई बात नहीं है, वहां चलता है, लेकिन एक अध्यापक की भर्ती में, अध्यापक के रिक्रूटमेंट में यह ऐसे करना कि 40 या 39 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन जरूर हो, लेकिन अगर किसी का 75 नंबर, 80 नंबर, 82 नंबर, 84 नंबर पाकर अदर स्टेट वाला नौकरी कर की योग्य है और वह फाइट कर रहा है अदर स्टेट का, तो उसको नौकरी से वंचित करना यह गलत बात है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी टीआरई 1 या 2 या 3 में डोमिसाइल तो लागू नहीं हुई है, अब टीआरई 4 में लागू होता है कि नहीं होता है, लेकिन मैं यह उम्मीद मैं करता हूं, हो सकता है कि 4.0 में अगर बिहार का हित जुड़ा रहेगा। अभी आप देखिए, अभी कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं, कुछ ऐसे लोग, मैं कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूंगा, कुछ पटना के कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, बच्चों में भेदभाव, विभेद उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। पटना के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट कह रहे हैं, एक पटना के कोई इंस्टीट्यूट कोचिंग संचालक का मैंने देखा, वह कह रहे हैं बिहार में इतनी प्रतिभा है, बिहार में प्रतिभा है भैया, बिहार में प्रतिभा है, मैं कब कह रहा हूं, वह कह रहे हैं कि बिहार में इतनी प्रतिभा है कि बिहार के छात्र पूरे भारत को पढ़ा सकते हैं, पूरे भारत को पढ़ा सकते हैं। मैं जानता हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग को जो वास्तव में विद्वान हैं, ठीक है, और वह देश और समाज को बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन यह कहना बिहार में, देखिए बिहार की स्थिति अभी देखिए, साक्षरता स्तर में बिहार कितना पीछे है, तो आप खुद दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 5 या 6 लाख की भर्ती थी टीयर 1, 2, 3, 4, 5 में, अभी 5 से 6 लाख की, 6 लाख में कभी बोल रहा हूँ, 5 से 6 लाख समथिंग, ठीक है। अभी देखिए क्या एक बिहार से संभव हो पाता भरना, वैसे ही रिजर्वेशन बहुत ज्यादा है वहां पर, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, मेरे हिसाब से। अगर कुछ लोगों का प्रश्न ये है कि डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए और लागू नहीं भी होगा, ठीक है। बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और लगातार मिलता रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।